जिन काज किया अपना फिर कर्म भार सिर ढोवत हैं। यदि आज ना काज किया अपना फिर कर्म भारे सिरे ढोवत हैं। उठ जाग मुसाफिर भोर भई क्यों मोह नींद में सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई क्यों मोह नींद में सोवत है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। देखो प्रभु, ऐसे सत्संग की जरूरत कब पड़ती है, ऐसे धर्म कर्म के संदेश की जरूरत कब पड़ती है, जब लोग दुखी हो जाते हैं। इस वक्त पर अगर देखा जाए तो सबके सब लोग दुखी, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। गरीब है अगर कोई, खाने की दिक्कत है तो उससे दुखी है, पहनने की दिक्कत है तो उससे दुखी है, घर नहीं है तो उससे दुखी है, क्या के बच्चे को पढ़ा लिखा नहीं पा रहा है, दवा नहीं करा पा रहा है तो उससे दुखी है। लेकिन जो पैसे वाले लोग हैं, महलों में रहते हैं, रोज दोनों समय कपड़ा बदलते हैं, कई गाड़ियां दरवाजे पर खड़ी हैं, अरबों खरबों का हिसाब किताब है, दुखी वो भी हैं। कोई तन से दुखी होता है, कोई मन से दुखी होता है, वो मन से दुखी है, मन को उनके शांति नहीं मिलती है। शांति आदमी को जब नहीं मिलती है तब सारा सुख बेकार लगता है। बढ़िया से बढ़िया भोजन ला करके लोगों के सामने रख दिया जाए, अच्छा से अच्छा कपड़ा पहने हुए है, कोई प्रणाम कर रहा कोई सलाम कर रहा कोई पैर छू रहा है, बढ़िया भोजन रखा हुआ है, खाने में स्वाद मिलेगा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि मन इधर उधर लगा हुआ है, मन को शांति नहीं है। तो ऐसे समय में जरूरत पड़ती है कुछ बताने और समझाने की, कि जिससे शरीर की भी तकलीफ चली जाए, खाने रहने की भी सुविधा हो जाए। प्रकृति जो सजा देती है, कर्म लोगों के जो खराब हो रहे हैं उसकी वजह से जो सजा मिल रही है वो भी सजा दूर हो जाए, उसके लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है? सत्संग की जरूरत पड़ती है। सत्संग जाए जब कोई पावे, महिला ये सब कर कर जावे। देखो प्रेम, आप गाँव के लोग हो, सीधे साधे लोग हो, बहुत ज़्यादा अच्छा रहन सहन आपका नहीं है, लेकिन कई ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से जयपुर शहर, और शहर में चले जाओ आप तो देखोगे ऊँची ऊँची कोठियाँ, बहुत पैसे वाले लोग हैं, उनको कोई किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो आपको समझाना चाहता हूँ कि देखो, आप जो लोग गांव के लोग हो, सीधे साधे लोग हो, जो काम आप कर सकते हो वो उसको नहीं कर सकते। कारण क्या है? कारण यह है कि वो फंसे हुए हैं। अब जब आदमी फंस जाता है तब वो फंसता चला जाता है। मोटे तौर से आप ये समझो कि एक आदमी कोई है और वो झूठ बोल दिया। अब झूठ को सच करने के लिए कई झूठ बोलता है वो, और फिर आखिर में पोल खुल जाती है। क्यों? क्योंकि झूठ बोल जाता है। कोई आपसे बात कर रहा है और आप ये समझो कि झूठ बोल रहा है तो सुन लो,
दो दिन के बाद फिर वही बात पूछो कि जो सच बात रहेगी वो तो वही बोलेगा, और जो झूठ बोला था उसमें कुछ न कुछ बदलाव आ जाएगा। और दो महीना के बाद पूछोगे तो झूठी बात सब भूल जाएगी और सही बात ही वो बता पाएगा। तो अब चाहे झूठ बोलना हो, चाहे बेईमानी करना हो, चाहे चोरी करना हो, चाहे दिल दुखाना हो, चाहे आदमी को मारना हो, चाहे जानवरों को मारना हो, चाहे भगवान के जितने भी नियम बने हैं उनके नियम के खिलाफ काम करना हो, तो सजा तो देगा ही देगा, उसकी सजा मिलती है। आज़ादी तो है आदमी को, हाथ पैर आँख काम उसने बना दिया, अब इससे अच्छा करो बुरा करो नहीं जानकारी हो पाती है लोगों को। जो भी बुराई कर जब बैठते हैं तो सजा मिल जाती है, चाहे मोटी बात समझो, चाहे जान में कोई गलती करे और चाहे अनजान में करे, सजा तो मिलनी ही मिलनी है। कोई जान करके जहर खा ले या अनजान में जहर खा ले तो जहर तो अपना असर जताता ही जताता है, जहर का असर खत्म नहीं होता है। ऐसे ही जो चाहे जान में कर्म बन गए चाहे अनजान में कर्म बन गए तो उसको भोगना पड़ता है। तो मैं आपको बता रहा था कि गांव के लोग हो आप, कुछ ऐसे भी लोग हो कि बढ़िया से इलाज नहीं करा सकते हो, बहुत बड़े अस्पताल में जा करके अच्छा पैसा दे करके इलाज नहीं करा सकते हो बीमार का, लेकिन वो तो पैसे वाले लोग हैं, वो तो बढ़िया से बढ़िया इलाज कराते हैं। लेकिन सोचो आप कि मरते समय एक ऐसी स्थिति आती है कि डॉक्टर भी हाथ उठा देता है, बढ़िया से बढ़िया इलाज करता है, विदेशों से भी दवा मंगा लेता है, जरूरत पड़ने पर दूसरे अच्छे अच्छे देश से लोग आ जाते हैं, कौन डॉक्टर लोग, लेकिन तो भी तकलीफ नहीं जाती है। तो वो क्या होता है, वो कर्मों की सजा होती है, कर्म यानी भोगना पड़ जाता है। कुछ लोग आप इसमें ऐसे ही बैठे, ऐसे भी बैठे हो कि दवा खा रहे हो लेकिन तकलीफ नहीं आ रही है, तो दवा कहाँ असर करती है, खाने पीने की बट परहेजी हो जाए उसमें असर करती है, उससे जो रोग हो जाए खाने पीने की बट परहेजी से, या मौसम जब बदलता है तब रोग हो जाता है तो वो तो दवा से ठीक हो जाता है। लेकिन ये जो कर्म रोग होते हैं ये दवा से नहीं जाते हैं, कर्म फास छोटे नहीं, कहते करो उपाय और सदगुरु मिले तो वो बनाए, नहीं तो भटका खाए। तो कर्म जब कटते हैं, कोई कर्म को काटने वाला बताता है जब इस तरह से कर्म कटेंगे तब आदमी सुखी होता है। तो मैं तो देख रहा हूँ, मैं तो विदेशों में भी जाता हूँ, बहुत से देशों में गया, 15 देशों में तो नामदान देकर आया और भारत देश के हर लगभग हर अन्य प्रांतों में गया, सब जगह पर मैंने समझो कि देखा लोगों को। तो मैं तो यही देख रहा हूँ कि न राजा को शांति, न रैयत को शांति, न पूंजीपति को ही नींद आ रही है, सब दुखी हैं, नानक दुखिया सब संसार और सुखी वही जो नाम आधार। उन्होंने कहा सुखी वो है कि जो नाम को पकड़ लेता है, नाम को आधार बना लेता है, वही सुखी होता है, बाकी सब दुखिया ही रहते हैं। तो अब यह नाम क्या होता है, नाम का आधार किस तरह से लिया जाता है, नाम का सहारा कैसे लिया जाता है, यह तो अभी आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन अभी तो हम आपको दो तीन चीज़ें जो जरूरी हैं याद करने वाली हैं उसको पहले मैं आपको बताता हूँ। देखो ये भूल भरम का तो देश है, यहाँ आदमी बहुत जल्दी भूल जाता है, और ऐसा बना ही दिया है नियम, उसने सिस्टम बना दिया कि आदमी सुबह करे शाम को भूल जाए, और शाम को कोई चीज़ काम किया और सोया तो सुबह भूल जाए। अब उसने हिसाब से भी बनाया है, अभी देखो बाप का मरना, बेटे का मरना, पति का मरना, पत्नी का मरना, अगर आदमी न भूले तो याद करते करते पागल हो जाएगा कि नहीं। तो यह भूल और भ्रम का तो देश है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको बराबर याद रखना जरूरी है, जैसे भोजन करना, जैसे टट्टी पेशाब करना, बचपन से ही सिखाया जाता है ये,
बचपन से ही याद करा देती हैं ये माताएं बच्चों को, पिता याद करा देते हैं बहुत सी बार, जो घर में परिवार के लोग रहते हैं वो याद करा देते हैं, तो वो चीज़ नहीं भूली जाती है, वो याद हो जाता है। ऐसे जब बार बार सत्संग लोग सुनते रहते हैं तो बातें याद आ जाती हैं। तो आप तो कुछ लोग ऐसे हो जो खबर लगते ही कहाँ सत्संग हो रहा है पहुँच जाते हो, जो सत्संगी हो, पुराने लोग हो, लेकिन आप कुछ लोग ऐसे गांव के हो जो पहली बार आए हो सत्संग सुनने के लिए। तो आपको बताऊंगा कि जो जरूरी चीज़ है उसको याद रखो। अब क्या जरूरी है, वो प्रभु जरूरी है, भगवान को ही लोग भूल रहे हैं, आदमी बिल्कुल उसको भूल ही रहा है। आप गांव के सीधे साधे लोग दिन में कमाते रात को खाते हो, भगवान का नाम कोई ना कोई नाम किसी भी तरह से निकाल लेते ही लेते हो, लेकिन बहुत से लोग तो ऐसे कि भगवान के नाम का लेने का जब समय आता है तब उनको नींद की गोलियां खानी पड़ती हैं, हम उनको नशीली गोलियां खानी पड़ती हैं, वो शराब पीते हैं रात को, तो भगवान का नाम कब लेंगे। और सुबह जब उठेंगे तो बुद्धि खराब हो जाएगी, गंदी चीज़ों का खाने का असर आ जाता है, जिसको आप समझो कि नापाक आदमी कहता है उस चीज़ को वो खाते हैं, तो कहाँ से बुद्धि सही रहेगी, भगवान कहाँ से उनको याद आएंगे। कहा गया ना कि गंदा नापाक को सूंघ कर जानवर भी नहीं खाता है, गंदा नापाक चीज को सूंघ कर जानवर भी नहीं खाता है, पर यह इंसान तो कुछ भी नहीं पहचान पाता है। देखो तो सूंघ करके आदमी समझो क्या चीज खाता है, वो तो सामने आ गया और मिर्च मसाले की खुशबू आई और कहता है बहुत अच्छा है, अंदर क्या बना भरा हुआ है उसके। मांस खाने वाला जब जाता है तो सूंघता है, मांस खाने वाला जब होटलों में जाता है तो पूछता है कि गाय का है कि बकरा का है कि घोड़ा गधा का है कि कुत्ता का है किसका है, वो तो जो भी मांस मिल गया उनको ऑर्डर मान लो कोई दिया रात को 12 बजे 1 बजे, अब कहाँ जाएगा खरीदने। तो इधर उधर देखता है कोई उत्ता कुत्ता मिल गया, कोई बिल्ली फिल्ली मिल गई, कोई सो रहा हो रात को पकड़ के दबा के काट के ले आया बना के दे दिया, तो कोई सूंघता है। तो जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन, और जैसा पियो पानी वैसी हो वे बानी, असर आता है अन्न का असर आता है। देखो भीष्म पितामह जैसे योगी की बुद्धि खराब हो गई थी उस समय जब दुर्योधन पापी का अन्न खा रहे थे, इसीलिए वो द्रौपदी की लाज नहीं बचा पाए थे। मरते समय जब वो प्रवेश कर रहे थे द्रौपदी ने पूछा था कि उस समय आपकी अकल बुद्धि कहाँ चली गई थी जब दुशासन हमको नंगी कर रहा था, आँख फाड़ फाड़ करके आप देख रहे थे, अरे आप उफ तक नहीं बोले। भीष्म पितामह ने कबूल किया, द्रौपदी तो ठीक कह रही है, उस समय मैं दुर्योधन पापी का अन्न खा रहा था, तो अन्न के असर से बुद्धि अगर खराब हो सकती है तो मानस बुद्धि कहाँ से सही रहेगी। तो वो को उनको तो भगवान याद ही नहीं आ रहे, लेकिन आप तो कम से कम सचेत रहते हो, आप तो होश में रहते हो, तो आप क्यों भगवान को भूल रहे हो। अरे बहुत से लोगों को यह है कि हम नहीं करेंगे तो नहीं होगा, मेरे करने से ही होता है, लेकिन इस चीज को क्यों बोल रहे हो। यजगर करे न चा करी और पंछी करे न काम, और दास मलू का कही गए सबके दाता राम, देता है कि नहीं देता है, सबको देता है। अरे याद दिला दे कैसे देता है, पैदा होने के पहले ही माँ के अस्तन में दूर भर देता है, वो देता है, अब उसी को बोल रहे हो। उसको बराबर याद रखो, लोगों को याद दिलाओ, बच्चों को सिखाओ, बचपन से ही बच्चों को देखो, पहले के समय में भगवान का नाम लेना, प्रार्थना बोलवाना, स्तुति बोलवाना लोग सिखाते थे। बच्चों के ऊपर जो संस्कार पड़ जाता है बराबर वही संस्कार बना हुआ रहता है। अब आपको मैं अपने बचपन की बात बताऊं। हमारे पड़ोस में लड़का रहता था,
उसके साथ मैं खेलता था। अब वो सुन लिया गाना, कौन सा फिल्मी गाना कोई इस तरह का जो आपके सामने बोलने लायक नहीं है। तो जब वो भी याद कर लिया लड़का, अब वही मैं भी याद कर लिया। तो जब मैं बोला उस गाने को, तो पिताजी बोले ये गाना तुम न गाओ, मैं तुमको सिखाऊंगा, मैं तुमको प्रार्थना सिखाऊंगा, मैं तुमको श्लोक याद कराऊंगा। और याद कराया उन्होंने जो प्रार्थना वो बस बोलवाया, आज भी याद है। वो चीज़ बोलने वाली नहीं होती है, तो बच्चों पर संस्कार डालना चाहिए, प्रभु को याद कराना चाहिए, क्योंकि यही आपके कुल खानदान का नाम करेंगे, यही देश का नाम आगे बढ़ाएंगे। बहुत कुछ इन बच्चों से उम्मीद है, लेकिन इस समय उनसे क्या उम्मीद आप करोगे। जो बच्चे यानी हमेशा नशीली गोलियों के आदत में पड़े हुए हैं, जो हमेशा मस्त रहते हैं, पी करके गिर जाते हैं, कोई खबर नहीं है, उन्हीं का मोबाइल कोई निकाल ले जाए, जेब साफ कर ले जाए, उन्हीं को खबर नहीं है, वो क्या रक्षा करेंगे, क्या काम कर पाएंगे। इसलिए बहुत कुछ निर्भर करता है इस बात पर कि बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए, अपना भविष्य बनाने के लिए इस चीज़ का ध्यान रखा जाए। बच्चों की सेवा लोग क्यों करते हैं, क्यों ऐसा सिस्टम बना दिया गया कि जब बच्चे पैदा हों तो उनको नहलाओ धुलाओ, उनको कपड़ा पहनाओ, कपड़ा पहनना सिखाओ, खिलाना सिखाओ, उनको हर चीज़ को क्यों सिखाओ, पढ़ाओ लिखाओ क्यों। यह इसलिए कि जब बुढ़ापा आएगी तभी हमारे दो रोटी का सहारा बनेंगे, ये हमारी सेवा करेंगे। और अगर आपने नहीं ध्यान दिया, बच्चे बिगड़ गए, तो आपकी सेवा कोई करेगा? वो तो छोड़ के चले जाएंगे, वो तो ले जाते हैं गाड़ी में बिठा करके अनाथ आश्रम पर छोड़ दे रहे हैं। तो आपको समझने की जरूरत है कि प्रभु को याद रखो, प्रभु को याद कराओ लोगों को, बच्चों को भी याद कराओ। और मौत सबकी आनी है, मौत से डरत रहो दिन रात, मौत तो आनी आनी है। मौत को बोल रहे हैं, अरे मौत से कोई भी बच पाया? देखो एक से एक राजा महाराजा आए चले गए, एक से एक शेठ साहूकार चले गए, एक से एक पंडित मुल्ला पुजारी चले गए, बड़ हकीम वैज्ञानिक चले गए, देखो एक से एक प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आए चले गए, देखो राम जैसे भगवान भी आए मनुष्य शरीर में चले गए, कृष्ण चले गए, कबीर गोस्वामी पलटू नानक या परम संत थे ये, जिनकी तस्वीर लगी हुई हमारे गुरु महाराज बहुत बड़ी शक्ति लेकर के इस धरती पर आए थे, हजारों कला लेकर के इस धरती पर आए थे, लेकिन मनुष्य शरीर में होने के कारण उनको भी शरीर छोड़ना पड़ा और शरीर छोड़ करके अपने निधाम जाना पड़ा। तो ये इस देश का नियम ही है। कौन से देश का? इस काल भगवान के देश का नियम है। काल किसको कहते हैं जो पल भर में दुनिया को बना दे, पल भर में बिगाड़ दे? काल किसको कहते हैं जो दया भी करता है? काल का ही यह बनाया हुआ सब कुछ है, या हवा पानी ये जितनी भी चीजें हैं सब उसी ने बनाया है, पैदा होने से पहले ही बना करके तैयार कर दिया। अब ये बच्चा पैदा हो हवा न मिले तो खत्म हो जाएगा, नहीं खत्म हो जाएगा। अब ये देखो समझो धरती पर न वो अगर चल पावे तो वो धरती का तत्व पृथ्वी तत्व उसके अंदर हो ही आ ही नहीं पाए, स्वस्थ नहीं रह सकता है। जल की जरूरत है, पानी नहीं मिलेगा तो खत्म हो जाएगा। तो इन सारी चीजों को उसने बनाया है, अन्न बना दिया आपके लिए, ये गाय भैंस बकरी ये सब दूध के लिए बना दिया, फल फूल का ये जो देखो पेड़ बना दिया किसके लिए? आदमी के लिए, कि इसको खाओ पियो और स्वस्थ रहो। तो ये सब बना दिया उसने, लेकिन समय जब पूरा होगा तब वो रियायत करेगा? तब वो काल का काम करता है। जैसे कोई बकरा पालता है तो कितना प्रेम से पालता है, बहुत से लोग बड़े प्रेम से पालते हैं, बकरे के छोटे बच्चे को गोदी में उठा लेते हैं, नहलाते धुलाते हैं, लेकिन जब समय आता है, बकरी ईद का समय आता है, तो मार देते हैं, फिर दया नहीं करते हैं उस पर। पहले तो खूब दया करेंगे, कुत्तर से भी बचाएंगे, अन्य जानवरों से बचाएंगे, नोच न डाले उसको, लेकिन खुद
आप समझो जवान के स्वाद में कजा कर देते हैं उसको, तो अब आप ये समझो काल उसी को कहते हैं। किसको? कि जो रियायत न करे समय आने पर, और समय सबका आएगा क्योंकि ये मृत्युलोक है। इस मृत्युलोक का नाम ही इसलिए पड़ा कि जहाँ से एक दिन बाहर कर दिया जाना होता है वो मृत्युलोक कहलाता है। तो इस धरती पर से एक दिन सबकी छाया उठ जाती है, हट जाती है, इसलिए इसको मृत्युलोक कहा गया है। इस धरती का, इस जमीन का असर ही है कि यहाँ पर जो पेड़ फलता है वो झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है, और जो पैदा होता है वो मरता है। तो मृत्युलोक में मोक्ष शक्ति आनी है, अब उसी को भूल रहे हो। अब आप अगर मौत को सामने रखोगे, हथेली पर रखोगे और मौत याद रहेगी, तब आप इस चीज को भी सोच पाओगे कि क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा। सोच समझ ले रे मन मूरख, आखिर में पछताएगा। कोई कुछ लेकर आता है माँ के पेट में से खाली हाथ, तो कहते खाली पैदा हुए हो खाली हाथ लेकर चले जाओ, मुट्ठी बांधकर पैदा हुए हो हाथ फैला करके चले जाओ, नंगे पैदा हुए हो नंगे करके शमशान घाट फेर दिए जाओ। ये चीज कहीं याद आती है? अभी प्रार्थना प्रेम लोग बोले उसको आपने दोहराया कि छोड़कर संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा, तो आखिरी वक्त पर कोई साथ निभाएगा? कोई नहीं, सब खड़े ऐसे देखते रहेंगे। एक से एक बलवान हूँ घर के लोग, रिश्तेदार पहलवान हूँ, पैसे वाले हूँ, अकल बुद्धि वाले हूँ, बड़े बड़े वहडे वाले हूँ, लेकिन मौत के समय कोई रक्षा कर पाता है, बचा पाता है? नहीं बचा पाता है। और ऐसे देखते रह जाते आस पास योद्धा खड़े, सभी बजाऊं गाल और महल से हमको ले चलो, ऐसे काट करा वो काल के आएंगे कौन? फरिश्ते जिनको कहा गया है, दूत जिनको कहा गया है, मुसलमान लोग उनको मलकुन मौत कहते हैं, वो आते हैं खाली कराने के लिए। दो मिनट का भी हुक्म नहीं देते, कहते जल्दी करो खाली करो, समय हो गया समय हो गया। कितना भी कोई रोवे चिल्लाए माफी मांगे, लेकिन माफी का वक्त उस वक्त पर प्रेमियों खत्म हो जाता है। माफी का वक्त कब रहता है इतने किए हुए कर्मों का? कि जब तक ये शरीर में जान रहती है, प्राण रहते हैं, जीवात्मा रहती है, तब तक माफी का समय रहता है। हाथ पैर आँख कान जब तक काम करते हैं, शरीर चलता है, तब तक माफी का वक्त रहता है। आखिर में माफी का वक्त खत्म हो जाता और इस जीवात्मा को निकाल करके और ले जा करके वो सजा दे देते हैं। किसको? जीवात्मा को। अगर ध्यान नहीं दोगे आप लोग तो आज आपको बता के जा रहा हूं, यहाँ हाथिन अन्य समय लोग कन्नौज जिला के इस स्थान पर, कि अगर लोग ध्यान नहीं देंगे तो कुछ समय के बाद यही नौजवान देश के 50% यानी 100 में 50 नौजवान ये पागलों जैसे दिखेंगे, नशे की आदत में पड़े दिखेंगे इधर उधर, दुर्घटनाएं बढ़ती चली जाएंगी, अकाल मृत्यु में चले जाएंगे, ये प्रेत योनियों में चले जाएंगे। पेट बड़ा होता मुंह पतला होता है, कभी पेट ही नहीं भरता है, परेशान रहते हैं, दूसरों को भी परेशान करते रहते हैं। तो जब यही बच्चे आएंगे आपको ही लग जाएंगे प्रेत योनि में जो चले जाएंगे, तो चैन की रोटी खा पाओगे कि कुछ कर पाओगे? इसलिए ध्यान देने की जरूरत है। जय गुरुदेव। सरकारी व गैर सरकारी अनुदान के लिए बिना सत्संगियों के सहयोग द्वारा जनहित के कार्यों में लगी हुई बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था का मुख्यालय पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने मक्सी रोड उज्जैन मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर सत्संग व नामदान का कार्यक्रम होता रहता है। अतः आप श्रोताओं से अनुरोध है कि बाबा उमाकांत जी महाराज के आश्रम उज्जैन एक बार
परिवार सहित जरूर पधारिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।